गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स आई एम योर इंग्लिश टीचर मोहम्मद जमीर स्टडी वी सा वेरी नाइस स्टोरी ऑन पेज नंबर थर्टी टू एंड थर्टी थ्री ऑफ यूर माई इंग्लिश बुक फाइव द नेम ऑफ द स्टोरी वॉज द लिटिल बाबुल ट्री वी विल सॉल्व इट्स एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर थर्टी फोर कल हमने थर्टी टू और थर्टी थ्री पर जो कहानी देखे आज उसके एक्सरसाइज हल करेंगे तो पेज नंबर थर्टी फोर सबसे पहले हमको क्या दिखता है नंबर थ्री रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली जैल के जुमले से पढ़िए चिल्ड्रन डो नाट लाइक थॉर्न्स चिल्ड्रन लाइक फ्लावर्स बच्चों को कांटे पसंद नहीं होते बच्चों को फूल पसंद होते हैं नंबर ए है अब देखते हैं हम ड्रॉप डो नाट और डज नाट इन and एंड फ्रेम sentences. नीचे दिए हुए जुमलों में डू नाट या डज नाट अल्फाज कम करके बामायनी जुमले बनाइए यू मे हैव टू चेंज द हाईलाइटेड वर्ड्स इसके लिए आपको नुमाया किए हुए अल्फाज भी बदलने पड़ सकते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर पहला सेंटेंस है गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स गोट्स गोल्ड लीव्स नहीं खाते सोने के पत्ते या सुनहरी पत्ते नहीं खाते हमको कहा जा रहा है कि ये डू नाट ये डू नाट ये डज नाट ये डज नाट, नाट और ये डज नाट को जुमले में से निकाल देना है और जो है बामानी जुमला बनाना है उसके लिए हमको ये जो हाईलाइट किए हुए लफ्स है गोल्ड ग्लास ग्रेप्स क्रिकेट eat ग्रास इनको भी बदलना पड़ सकता है तो यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर हमको दिया गया है कि goats डो नाट ईट गोल्ड leaves. इसका कैसा बनाया गया है सेंटेंस Goats ईट डो नाट चला गया Goats eat और यहाँ पर गोल्ड के बजाय ग्रीन लीव्स इस तरीके से ये सेंटेंस बनाया गया है अब इसी तरीक़े से हमको बाकी के भी चार सेंटेंस को चेंज करना है और यहाँ पर बी में भी जो है क्वेश्चन में यहाँ पर भी जो जुमले हैं यहाँ पर अब आपको उल्टा करना है नाव यूज़ डो नाट और डज नाट अप्रोप्रिएटली इन द फॉलोइंग एंड फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस अब इसमें डो नाट और डज नाट नहीं आया वाला है आपको क्या करना है इसमें वो ऐड करके बाबानी जुमला बनाना है जैसे है कि आई लाइक मैंगोस इसके इसमें क्या करें हमने डू नाट ऐड करें आई डो नाट लाइक फिक्स मुझे अंजीर पसंद नहीं है इस तरीक़े से ये बाकी के भी हमको बनाना है और क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन <coughs> नंबर चार में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर आइडियाज़ जैल के जुमले अपने तौर पर मुकम्मल कीजिए आई विश आई हैड डे तो हम अपने दिल से भर सकते हैं आई विश आई हैड अ मैजिक कारपेट आई विश आई कुड फ्लाई अब ये किस तरीके से हल करना है ये मैंने जो है फ़िलअप किया है अब वो हम पेज देखेंगे चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे आपको ये फिलअप करना है अपने नोटबुक में और कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर ए बी और क्वेश्चन नंबर चार सबसे पहले यहां पर है गोड्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स यहाँ पर बनाया गया है गोड्स ईट ग्रीन लीव्स इसके बाद सेकंड है थीव्स डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स अब इसका हमने क्या बनाया है थीव्स स्टील गोल्ड लीव्स यहाँ पे हमने डो नॉट उड़ा दिए और ग्लास के बजाय गोल्ड का इस्तेमाल करें उसके बाद शी डज़ नॉट लाइक ग्रेप्स इसका हमने क्या बनाए हैं शी लाइक्स डज नॉट हमने उड़ा दिए और ग्रेप्स के बजाय मैंगोज इस्तेमाल किए उसके बाद ही डज नॉट प्ले क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं खेलता इसमें हमने डज नॉट उड़ाए और क्रिकेट के जगह फुटबॉल इस्तेमाल करे ही प्लेस फुटबॉल इस तरीके से लिखे उसके बाद अ लॉइन डज नॉट ईट ग्रास इसमें हमने डज नॉट उड़ाए अलवाइन और ईट एट का ईट्स बनाना पड़ा हमको और ग्रास के बजाय मीट हमने इस्तेमाल करे अलवाइन ईट्स मीट अब इसी तरीक़े से क्वेश्चन नंबर बी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे दिया गया है आई लाइक मैंगोस आई डो नॉट लाइक फिक्स अब यहाँ पे हमने बनाया यू ट्रेवल बाय बस इसका हमने बनाया यू डो नॉट ट्रेवल बाय ट्रेन ही गेट्स अप एट सेवन थर्टी और इसका सेंटेंस यहाँ दिया गया है ही डज नॉट गेट अपट सिक्स थर्टी अ रेबिट हैज अ शॉर्ट टेल इसका हमने बनाया अ रेबिट डज नॉट हैव अ लॉन्ग टेल शी यूज अ ब्लैक पेन इसका हमने बनाया शी डज नॉट यूज़ अ ब्लू पेन ठीक है इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर फोर इसको कंप्लीट करना था विथ योर ओन आइडियाज अपने खुद के आइडिया से आई विश आई हैड विंग्स हमने लिखे यहाँ पे कि मेरी ख्वाहिश है कि काश मेरे पंख होते आई विश आई हैड अ कार आई विश आई हैड अ मोबाइल आई विश आई हैड अ मैजिक वैन आई विश आई कुड फ्लाई आई विश आई कुड ड्राइव आई विश आई कुड कॉल माई फ्रेंड्स आई विश आई कुड गेट एवरी थिंग आई वांट इस तरीके से हमने जो है पेज नंबर थर्टी फोर के एक्सरसाइज देखे आगे का हम कल देखेंगे थैंक यू वेरी मच